दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोवेक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप फोन खरीदना चाहते हैं बजट रेंज 12,000 से 20,000 के बीच में और आपके दोस्त या किसी ने आपको सजेस्ट किया है Redmi Note 5 Pro या Asus का Zenfone Max Pro M1 खरीदने के लिए, तो एक बार रुक जाइए और ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूँ अगले महीने जून में लॉन्च होने वाले तीन ऐसे स्मार्टफोन जो इसी प्राइस रेंज में आते हैं बट इससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं स्पेसिफिकेशंस में। तो खरीद कर अगले महीने पछताने से अच्छा है एक बार ये वीडियो देखिए और तय कीजिए कि वो वाले फ़ोन आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं कि ये वाले। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस कड़ी में दोस्तों सबसे पहला फोन आता है Asus का Zenfone 5 जो कि फिलीपींस या कुछ देशों में लॉन्च हुआ है बट वो इंडिया में जून में आएगा। और दोस्तों इस फोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कमाल के हैं। अगर इसके डिजाइन और डिस्प्ले की बात करोगे दोस्तों तो इसका बैक साइड जो है वो ग्लास बैक दिया हुआ है और इसके डिस्प्ले की दोस्तों बात करें तो इसमें 6.2 इंचेस का फुल HD प्लस का डिस्प्ले दिया हुआ है जिसका रिजोल्यूशन दोस्तों 1080x2240 का है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो इसमें 403 पिक्सल्स आपको मिल जाएंगे पर इंच में। उसके बाद दोस्तों अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो इसमें आपको 18.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, कौन सा वाला है अभी बताया नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसके डिस्प्ले में सबसे खास बात है इसका नॉच जो कि इन लोगों ने कॉपी किया है बट मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी तरह करते हो तो कॉपी करना भी अच्छी बात होती है दोस्तों। IPS LCD के डिस्प्ले के साथ इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें दोस्तों तो 84% का है। उसके बाद आते हैं प्रोसेसर और एंड्रॉइड वर्जन पे, तो इसमें स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर यूज हुआ है जो कि 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है और इसमें क्रायो 260 काम करता है दोस्तों। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें एड्रीनो का 509 है और एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो ये ओरियो 8.1 के साथ आएगा जिसमें जेन UI जो उनका खुद का स्किन होता है वो यूज होगा दोस्तों। अब आते हैं कैमरा पे, तो इसमें 12+8 MP का ड्यूल कैमरा का सेटअप रियर साइड पे दिया हुआ है दोस्तों और इसका फिजिकल अपर्चर जो है वो f1.8 और f2.0 का है। अगर माइक्रोन पिक्सल्स की बात करें तो इसमें जो प्राइमरी कैमरा है उसका माइक्रोन पिक्सल 1.4 माइक्रोन पिक्सल है और सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो 1.12 माइक्रोन पिक्सल का है। इसके बाद आते हैं फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा पे दोस्तों, तो सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो 8 MP का सेल्फी कैमरा इसमें जिसका अपर्चर f2.0 का है और माइक्रोन पिक्सल की बात करें तो 1.12 माइक्रोन पिक्सल का इसका लेंस है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड आपको फ्लैश लाइट मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं बैटरी पे, तो इसमें 3300 mAh की इनबिल्ट बैटरी है जिसमें फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता लेकिन आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा चार्जिंग के लिए। सारे सेंसर सपोर्ट करते हैं, बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, NFC भी सपोर्ट करता है दोस्तों। उसके बाद अगर सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप या तो दो कार्ड यूज कर सकते हो या फिर एक कार्ड और एक SD कार्ड और ये 400 GB तक आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। अगर वेरिएंट की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट आएंगे दोस्तों, एक 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला है, एक 6GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला है। प्राइसिंग की बात करें तो मनीला फिलीपींस में जो लॉन्च हुआ था दोस्तों वहां पे इसकी प्राइसिंग 24,000 से स्टार्ट हुई है लेकिन वहां के प्राइसेस ज्यादा होते हैं हर स्मार्टफोन के, तो इंडिया में आएगा तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये 20,000 से शुरू होगा, तो 20,000 के प्राइस रेंज पे ये बहुत अच्छा डिवाइस हो सकता है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दूसरे फोन पे दोस्तों, दूसरा फोन है नोकिया X6। हाँ, हमारा नोकिया X6 जो लॉन्च हो चुका है चाइना में जिसका बहुत तेजी से हम वेट कर रहे हैं। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो इसमें 5.8 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले दिया हुआ है जिसका रिजोल्यूशन 1080x2280 का है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 435 पिक्सल पर इंच मिलेगा इसमें आपको। इसमें IPS LCD का डिस्प्ले यूज हुआ है जिसका बॉडी रेशियो अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखोगे तो 80% है और इसमें भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा एक नॉच। और दोस्तों इसमें 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, उसके साथ साथ ही गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन भी है। इसके बाद अगर हम लोग आए प्रोसेसर और इसके एंड्रॉइड वर्जन पे तो इसमें स्नैपड्रैगन का वही 636 वाला प्रोसेसर यूज होता है जो कि 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है दोस्तों। और GPU की बात करें तो इसमें एड्रीनो का 509 का GPU यूज हुआ है जो कि ग्राफिक्स के लिए एक अच्छा GPU माना जाता है मिड रेंज बजट में। इसके बाद अगर एंड्रॉइड वर्जन पे आओगे तो इसमें एंड्रॉइड का ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स आता है जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड की फील आएगी जो कि स्टॉक एंड्रॉइड दिया, कोई भी स्किन इसमें दिया नहीं है, तो एकदम प्लेन एकदम क्लीन आपको स्टॉक एंड्रॉइड की फीलिंग आएगी दोस्तों जिसमें आपको सारे अपडेट्स बाद वाले बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं बैटरी पे तो इसमें 3060 mAh की बैटरी मिली है जो कि थोड़ी कम है लेकिन उसके साथ दोस्तों आपको मिलता है फास्ट चार्ज 3.0 का सपोर्ट यानी 30 मिनट में आप 50% तक बैटरी चार्ज कर सकते हो और इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट भी मिलता है दोस्तों। सेंसर्स की बात करें तो सारे सेंसर्स मिल जाएंगे इसमें, बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और दोस्तों ग्लास बॉडी दी हुई है बैक साइड पे तो वो एक प्रीमियम लुक देता है इसको दोस्तों। ये फोन दोस्तों NFC भी सपोर्ट करता है। सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है जिसको आप 256 GB तक बढ़ा सकते हो।
वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करें तो चाइना में तीन वेरिएंट आए हैं, पहला वाला है 4GB 32GB वाला, दूसरा है 4GB 64GB वाला, तीसरा है 6GB और 64GB वाला। और प्राइसिंग की बात करें तो पहला वाला जो 4GB 32GB वाला है वो वहां पे 14,000, दूसरा वाला 16,000 और तीसरा वाला 18,000 में आया है। मेरे हिसाब से इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा प्राइस के साथ आएगा और थोड़े वेरिएंट जो स्पेसिफिकेशन है थोड़े चेंज होके आएंगे दोस्तों, कैमरा में और वेरिएंट्स में थोड़े से चेंजेस आएंगे दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा डील होगा अगर नोकिया इसको इंडिया में लॉन्च करता है दोस्तों। अब आते हैं तीसरे वाले फोन पे। तीसरा वाला फोन है शाओमी का MI A2 जो कि वहां पे MI 6X के नाम से लॉन्च हुआ है दोस्तों, वो भी इंडिया में आने को तैयार है और एक कमाल का फोन है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें अगर डिजाइन डिस्प्ले पे है तो डिजाइन इसका एकदम नोट 5 प्रो के जैसा ही है। ये नोट 5 प्रो में आपको ऊपर थोड़े प्लास्टिक मिलेंगे, बीच में एल्यूमिनियम का पैनल है, बट इसमें पूरा आपको यूनिमेटल बॉडी मिलेगा, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे मेटालिक है। और पूरा डिजाइन देखोगे तो वैसे का वैसा एकदम नोट 5 प्रो जैसा ही है। डिस्प्ले की बात करें तो वो भी नोट 5 प्रो जैसा ही है, 5.99 इंच का डिस्प्ले है जो कि 1080x2180 इसका रिजोल्यूशन है डिस्प्ले का। उसके बाद पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 403 पिक्सल्स पर इंच इसमें मिलेगा आपको। उसके बाद दोस्तों अगर आते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तो इसमें 77% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, IPS LCD का डिस्प्ले यूज हुआ है और प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो है दोस्तों, सेम एकदम नोट 5 प्रो जैसा ही। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर यूज हुआ है जो कि बाकी दोनों फोन से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है और जो कि क्लॉक्ड है दोस्तों 2.2 GHz पे 4 कोर और 1.8 GHz पे 4 कोर और 8 कोर पे दोस्तों क्रायो 260 काम करता है। और ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें एड्रीनो का 512 512 GPU है जो कि थोड़ा सा ज्यादा बेटर वर्जन है 509 से। उसके बाद अगर आए हम लोग बैटरी पे तो इसमें दोस्तों आपको 3300 mAh की बैटरी मिलती है जो कि इनबिल्ट है और फास्ट चार्ज 2.0 सपोर्ट करती है। इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, चार्जर नहीं मिलेगा फास्ट चार्ज, लेकिन फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं कैमरा पे। कैमरा की बात करें तो कैमरा में ये फोन बाकी दोनों से ज्यादा अच्छा लगा मुझे, जिसमें रियर कैमरा 12+20 मेगापिक्सल का है और अगर फिजिकल अपर्चर की बात करें तो f1.8 12 मेगापिक्सल वाले का है और f1.8 20 मेगापिक्सल वाले का भी है। और इसके माइक्रोन पिक्सल की बात करें तो 1.25 पहले वाले का होगा और 1.12 दूसरे वाले का होगा दोस्तों। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है इसमें, जिसका फिजिकल अपर्चर आपको f1.8 मिलेगा और माइक्रोन पिक्सल की बात करें तो 1 माइक्रोन पिक्सल है, तो थोड़ा सा कमजोर लगता है वहां से मुझे, लेकिन फिजिकल अपर्चर इसका बहुत अच्छा है तो लो लाइट सेल्फीज के लिए आपको एक अच्छी फोन ये हो जाएगी अगर आप परचेज दोस्तों करते हो तो। सेंसर सारे मिलते हैं, बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, इसमें NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाकी दोनों में था। सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है जो एक्सपांड कर सकते हो 256 GB तक। और अगर वेरिएंट की बात करें तो इसमें भी दोस्तों तीन वेरिएंट आते हैं, पहला है 4GB 64GB वाला, दूसरा है 6GB 64GB वाला और तीसरा है 6GB 128GB वाला। ये तीनों वेरिएंट अगर इंडिया में आएंगे तो इनकी प्राइसिंग अगर चाइना से मैं कंपेयर करता हूँ, सेम अगर वही वेरिएंट आगे इंडिया में लॉन्च करते हैं उसी प्राइस पे, तो इनकी प्राइसिंग 17,000 19,000 और 21,000 होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये तीन फोन है, आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है, मत खरीदिए अभी वाले फोन्स क्योंकि ये तीनों आने वाले हैं जो कि किंग होंगे बजट रेंज के और धमाका मचाएंगे पूरे मार्केट में। तो आपको कौन सा वाला पसंद आया इसमें से जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको और कोई सुझाव है और कुछ है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो दोस्तों। और मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, इसके लिए वीडियो को पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस पाने के लिए दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।